हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले टिक्की चाट, जिसे बनाना बहुत है आसान। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 6-7 सूखे लाल मिर्च, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1-2 पिंज जावित्री, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 छोटा टुकड़ा जायफल। इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लूँगी। फिर मैं इसे ठंडा कर मैं इसे मिक्सी के जार में ऐड करूँगी और इसे पीस लूँगी। छोले मसाले घर पर भी आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप घर पर छोले मसाले ना बनाना चाहें तो मार्केट से भी पैकेट वाला छोले मसाले ले सकते हैं। मैं आज घर के ही मसालों से बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मसाले पिसकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसे कटोरी में निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे रख दूँगी। मैं मिक्सी के जार में ऐड करूँगी 1/2 इंच टुकड़ा अदरक, 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई, 7 से 8 लहसुन की कली, थोड़ा सा पानी और मैं इसे पीस लूँगी। फिर मैं ले रही हूँ एक कुकर, जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड करूंगी और इसे हाई फ्लेम पर गरम कर लूंगी। फिर मैं पिसी हुई प्याज को ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ा देर कच्चापन निकलने तक इसे भून लूंगी। फिर मैं इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करूंगी। फिर मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी। मसाले जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अच्छे से भून लूंगी। इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनूंगी जब तक मसाले से तेल सेपरेट होकर बाहर ना जाए। जब मसाले तेल छोड़ने लगेंगे फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी। अब मसाले भून कर रेडी हो चुके हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। मटर मैंने 1/2 kg ली थी और इसे ओवरनाइट के लिए भिगा दी थी। और मटर ऐड करके फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और ऐड करूँगी पानी। मैं यहाँ पर पानी 750 ml ली हूँ। 3 कप से ये 3 कप हैं। फिर मैं ढक्कन को बंद कर दूँगी। 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। फिर फ्लेम को लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर मैं इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी। 20 मिनट के बाद छोले हमारे पककर रेडी हो चुके हैं, कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे रख दूंगी। मैं मीठी चटनी तैयार करूंगी। मैं ले रही हूँ 1 बर्तन। 1 टीस्पून तेल ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून सौंफ और कलौंजी ऐड करूँगी। फिर मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भीगी हुई इमली का पानी ऐड करूंगी, 1/4 कप चीनी ऐड करूंगी और 3 छोटे टुकड़े गुड़ का ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप गुड़ ना डालें तो पूरा 1 कप चीनी का ऐड करें। 1 पिंच लाल फूड कलर ऐड करूंगी, 1 पिंच नमक ऐड करूंगी। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। चटनी को गाढ़ा करने के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर, जो भी आपके पास हो, पानी में घोलकर इसे ऐड करूंगी। 2 मिनट तक तेज आंच पर पकाऊंगी। अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर जो भी आप ऐड करें, इसे लगातार चलाते ही पकाएंगे। अब पककर रेडी हो चुके हैं। मैं इसे ढककर रख दूंगी। अब मैं टिक्की बनाने की तैयारी करूंगी। पहले से ही 1/2 kg आलू में उबाल कर छील रही हूँ। फिर मैं इसे हाथ से मैश करूंगी, बहुत बारीक नहीं मैश करूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। नमक को आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा डो लेकर इसे हाथ से दबाते हुए गोला बना लूंगी और थोड़ा सा दबाकर पेड़े का सेप दे दूंगी। इसी तरह से मैं सभी आलू टिक्की को तैयार कर लूंगी। अब मैं ले रही हूँ 1 ट्रे, जिसमें 1/4 कप अरारोट पाउडर ऐड करूंगी। एक एक करके सभी आलू टिक्की को डिप करते हुए अरारोट की कोटिंग कर लूंगी। चाहे तो ऐसे ही टिक्की को फ्राई कर सकते हैं। अरारोट की कोटिंग करने से टिक्की बिखरती भी नहीं है और क्रिस्पी बनते हैं। मैं ले रही हूँ 1 पैन, जिसमें 1 टेबल स्पून तेल ऐड करूंगी और तेल को चारों तरफ फैला दूंगी। फिर मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। फिर मैं इसमें 1 टिक्की ऐड करूंगी। सभी टिक्की को ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक टिक्की को एक तरफ सेक लूंगी। जब एक तरफ टिक्की पूरी तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी क्रिस्पी होने तक सेक लूंगी। चीज़ रेडी हो चुके हैं। अब मैं छोले को प्लेट में निकाल लूंगी, टिक्की को ऐड करूंगी। आप चाहे तो टिक्की को ऊपर ऐड करें और आप चाहे तो टिक्की को प्लेट में पहले रखें, उसके ऊपर से छोला को ऐड करें। मैं भीगी हुई इमली का पेस्ट ऐड करूंगी। छोले में खट्टापन के लिए मैं अमचूर का यूज की थी, लेकिन थोड़ा सा और खट्टा होने के लिए मैं इसमें इमली का पल्प यूज करूंगी। थोड़ी सी कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। फिर जो मैं मीठी चटनी बनाई थी, 2-3 चम्मच उसे ऐड करूंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूंगी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून दही। छोला टिक्की चाट हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका छोला टिक्की चाट कैसे बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कल फिर मिलूंगी एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।